सभापति महोदय, अभी कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं, मैं यहाँ पर नहीं था, इसीलिए अगर किसी बात को दोहरा दूँ तो क्षमा करें। सभापति महोदय, जो आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाए गए हैं और पिछले दो चार दिन के अखबारों में, खासकर इकोनॉमिक टाइम्स में जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आर्थिक जगत में हिंदुस्तान इस स्थिति में है जहां सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। खासकर जो तीन चार मुद्दे हैं उनके संबंध में कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है। सभापति महोदय, अभी तक हिंदुस्तान में दो नीतियों के संबंध में चर्चा होती है, आयात और निर्यात। जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तो मैं जानना चाहूँगा कि आयात निर्यात की क्या स्थिति रही है। आपके पास आर्थिक समीक्षा है, हमारे पास भी है, और उसमें दो साल और प्रायः डेढ़ साल के आंकड़े हैं। आपने विदेश से कितना ऋण लिया है और उसकी कितनी अदायगी करते जा रहे हैं? हिंदुस्तान के द्वारा कितना विदेशी कर्जा लिया जा चुका है? कितना हमारे विदेश व्यापार में घाटा चल रहा है? हमारा आयात अधिक हो रहा है या कम हो रहा है? और निर्यात कितना कर रहे हैं, उसकी अदायगी कितनी कर रहे हैं? इन सारी चीज़ों पर यदि आप दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का भविष्य अंधकारमय है। सभापति महोदय, मैंने कुछ दिन पहले एक प्रश्न किया था और मेरा प्रश्न सिर्फ जूट उद्योग के बारे में था। जूट का हमारा सबसे बड़ा बाज़ार अमेरिका है। किसी के वक्त की बात हो, लेकिन आप 2.5 साल के हमारे शासनकाल को निकाल दें तो बाकी वर्षों में किसका राज्य रहा है? 2.5 साल में जो आंकड़े हैं उनका भी आपके जो 1980-81 की आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों से मुकाबला करें तो 2.5 साल में देश को निराशा हाथ नहीं लगी है। इस वास्ते यह चीज़ आप न कहें, देश के नक्शे को आप अपने सामने रखें और देखें कि ट्रेंड किस ओर है और उसको आप रोकें। श्रीमान, जहां तक कुछ दिन पहले लोहा और इस्पात निर्यात करने वाले हम थे, आज उनको आयात करने की स्थिति में पहुंच गए। चीनी निर्यात करते थे, अब उसको आयात करने की सोच रहे हैं। इसी तरह से खाद्यान्न है, कोयला, सीमेंट, सारी चीज़ें हैं। आखिर क्या कारण है कि उनको निर्यात करने की बजाय आयात करने की नौबत आ गई है? मैंने उस दिन भी कहा था, आप चीन, जापान को देखिए या दूसरे और मुल्क हैं, जिन चीज़ों में वह पहले आपके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, वह आज आपसे मुकाबला कर रहे हैं। विदेशी बाज़ार हमारे हाथ से जा रहा है, अगर वह मुकाबला कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जो समस्या आपके सामने है वही समस्या उनके सामने भी है, फिर भी वह हमसे आगे निकल रहे हैं। इसीलिए आयात की प्रवृत्ति को रोकिए। हमारे पास आर्थिक समीक्षा नहीं है, निर्यात किस चीज़ में हुआ है यह बताएं। महोदय, आज जो देश का निर्यात बढ़ा है वह किन चीज़ों का बढ़ा है? इसमें विज्ञान और तकनीकी की कोई देन नहीं है। इनका निर्यात कच्चे माल का बढ़ा है। जिन चीज़ों में मुकाबला करने की बात है, बड़े उद्योग धंधों की बात है, उन सब में निर्यात घटा है। आज हमारे आदमी विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ उसको अपनी झोली ढोने में लज्जा नहीं लगती है, अखबार बेचने में, बूट पॉलिश करने में लज्जा नहीं लगती है। चाहे मुख्य सचिव का लड़का क्यों ना हो, लेकिन अगर यहाँ कोई अखबार बेचना शुरू कर दे, जूते पॉलिश करना शुरू कर दे, तो तुरंत उसकी गिनती छोटी जाति के आदमी में होने लगेगी। जब तक हम छोटी छोटी तकनीक को आगे नहीं बढ़ाएंगे,
निर्यात नहीं बढ़ पाएगा। वस्त्र उद्योग का आपकी रिपोर्ट में पूरा अध्याय है, उसमें हम कितना आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं यह सब मंत्री महोदय जानते हैं। हमारे व्यास जी कहते हैं कि अंधकार नज़र नहीं आता है। मैं कहता हूँ कि उन्हीं को देखकर मुझे अंधकार नज़र आता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो निर्यात है आप उसके कारण ढूँढें कि यह कम क्यों हुआ है। टंडन समिति की अंतरिम रिपोर्ट पढ़िए। टंडन समिति का 1979 में निर्माण किया गया था, उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक कृषि उत्पादन को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक निर्यात को बढ़ावा नहीं मिल सकता है। बेसिक चीज़ में जब आप आत्मनिर्भर होंगे तब निर्यात करने की स्थिति में आप आएंगे। आपकी आत्मनिर्भरता की पॉलिसी खोखली हो रही है, इसीलिए दिनों दिन निर्यात की प्रगति कम होती जा रही है। जहाँ तक आंकड़ों का संबंध है, सरकार की रिपोर्टों के आंकड़े दिए गए हैं। इसके अलावा रोज़ आंकड़ों में, अखबारों में, इकोनॉमिक टाइम्स में और आर्थिक जगत की पत्र पत्रिकाओं में आंकड़े दिए जाते हैं, लेकिन मंत्री महोदय अपनी आयात नीति और निर्यात नीति पर पुनर्विचार करें। वह पहले देश को स्वावलंबी बनाएं और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करें। वह निर्यात पर अधिक से अधिक जोर दें और आयात कम से कम करें। हमारे देश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में जो बच्चे माँ के पेट में हैं वे भी विदेशों के कर्जदार हैं। इस स्थिति पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए। मंत्री महोदय, वर्तमान समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करें जिससे मालूम हो कि विदेशी प्रतियोगिताओं में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जो संस्थाएं सफ़ेद हाथी बनी हुई हैं उनके कार्य में सुधार होना चाहिए। हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे छोटे उद्योग और हथकरघा उद्योग का इस्तेमाल करना चाहिए। निर्यात पॉलिसी में सरकार ने कहा है कि हमारे लोग विदेशी बाज़ार में मुकाबला कर सकें, इसके लिए क्या क्या रियायत दी जाएगी। वह तो ठीक है, लेकिन मेरा आग्रह है कि मंत्री महोदय अपनी नीतियों पर फिर से गौर करें। आयात को कम कर निर्यात को बढ़ाएं, तभी देश को स्वावलंबी बना सकेंगे।